4 मई से 5 राशियों की खुल जाएगी किस्मत। 28 मई तक चमकती रहेगी किस्मत। वृष राशि में 3 ग्रहों का बनेगा कॉम्बिनेशन। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष में सौंदर्य के, ऐश्वर्य के, ग्लैमर के, प्रेम के प्रतीक माने जाने वाले शुक्र ग्रह 4 मई को मंगल की मेष राशि से निकल करके अपनी ही वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और वह 4 मई को दोपहर 1:09 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 28 मई को 11:44 तक अपनी इसी राशि में रहने के बाद फिर वो बुध की मिथुन राशि में चले जाएंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 4 मई को शुक्र ग्रह के वृषभ राशि में आने से वृषभ राशि में 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। राहु पहले से ही वृषभ राशि में मौजूद हैं और पूरा साल यहीं पर रहने वाले हैं। 4 मई को शुक्र यहाँ राहु के साथ साथ बुध के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह की बुध ग्रह राहु और शनि के साथ मित्रता है, लेकिन किसी की कुंडली में अगर राहु और शुक्र की स्थिति जो है वो सातवें भाव में हो, यानी मैरिड लाइफ हाउस में हो, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं कही जाती। बुध की राहु से मित्रता है, लेकिन जब ये दोनों साथ आते हैं तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी देते हैं, जिस कारण लव रिलेशनशिप पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह को ज्योतिष में नैसर्गिक भोग विलास व दाम्पत्य का कारक भी माना जाता है। अंग्रेजी में इन्हें वीनस कहा गया है, यानी सौंदर्य की देवी। जो शुक्र की अपनी राशियां हैं वो वृषभ राशि और तुला राशि है। कन्या राशि में ये नीच के होते हैं, जबकि मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, उन्हें प्रेम रस से लेकर के जीवन के तमाम रस प्रदान करते हैं, जीवन की सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, हमें आर्टिस्टिक नेचर देते हैं, हमें सौंदर्य प्रेमी बनाते हैं, हमें स्त्री सुख, वाहन सुख, भवन सुख, यानी विलासिता की सारी चीजें देते हैं। लेकिन यही शुक्र ग्रह अगर खराब स्थिति में हो, नीच स्थिति में हो, तो कई सुखों में कमी भी कर देते हैं, जीवन को थोड़ा नीरस भी बना देते हैं। 4 मई को शुक्र ग्रह राहु और बुध के साथ वृषभ राशि में कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, तो उनके इस कॉम्बिनेशन से जो ज्योतिषीय हलचल होगी उससे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। और बुध राशि में, वृषभ राशि में एक साथ राहु, बुध और शुक्र की युति होने के चलते कुछ मामलों में लोगों को सावधान रहना होगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर के दौरान और तीनों ग्रहों के इस कॉम्बिनेशन के दौरान 5 राशियों को अच्छी खबरें प्रदान करेंगे। ये भाग्यशाली राशियां हैं। वृषभ राशि, जिसमें शुक्र गोचर करने वाले हैं और ये जो शुक्र की अपनी राशि है, कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, तुला राशि जो शुक्र की ही राशि है, धनु राशि जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है और कुंभ राशि जो शनि की राशि है, शुक्र के इस गोचर से 4 राशियों मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य पक्ष का खास ख्याल रखना होगा। गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। मैरिड लाइफ या लव लाइफ प्रभावित हो सकती है या प्रेम संबंधों में थोड़ी नीरसता आ सकती है। थोड़ा अभी इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना होगा। जबकि मेष राशि, मकर राशि और मीन राशि वालों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मैं उन 5 राशियों की बात करूंगा जिन्हें शुक्र के इस गोचर से और ग्रहों के इन कॉम्बिनेशन से अच्छा लाभ होने वाला है, अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। पहली है वृषभ राशि, उसको इस गोचर का काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। ये शुक्र की अपनी राशि है, लव लाइफ अच्छी रहेगी, रोमांस के मौके मिलेंगे, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। ये समय अच्छा है, इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। कर्क राशि वालों के लिए समय शुभ रहेगा, अच्छी खबरें मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, रोमांस के मौके भी मिलेंगे। तुला राशि वालों को भी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, बिजनेस में फायदा होगा। अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन के और इंक्रीमेंट के चांस भी बनेंगे, रोमांस के मौके भी मिलेंगे। धनु राशि वालों का जो प्रभाव बढ़ेगा, यश और मान मिलेगा, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी।
सोचे हुए जो प्रोजेक्ट हैं वो सिरे चढ़ जाएंगे, परिवार में खुशियां आएंगी, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। और कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों पर शुक्रदेव काफी मेहरबान रहने वाले हैं, नया प्रॉपर्टी और नया वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ भी होगा। तो ये था 4 मई को जब शुक्र ग्रह अपनी ही वृषभ राशि में आ रहे हैं और राहु और बुध के साथ कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, तो उसका विभिन्न राशियों पर पड़ने वाला इम्पैक्ट। आज की पोस्ट में बस इतना ही, मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।